श्रीजगन्नाथ मंदिर अधिनियम संशोधन नहीं कैबिनेट निष्पत्ति होई। श्रीमंदिर अधीन जमी संपर्कित मामलार तुरंत फैसला संशोधन निष्पत्ति होई। राज्य कैबिनेट रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। श्रीजगन्नाथ मंदिर और मंदिर परिचालना कमिटी अधीन स्थावर संपत्तिर मालिकाना स्वत्व परिवर्तन सह संपृक्त मामलागुड़िकर तुरंत फैसला तथा कटकणा को प्रतिहत करने विभिन्न अधिकारी क्षमतापन्न करने श्रीजगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1954 को संशोधन करने स्थिर हो। जो कैबिनेट रे निष्पत्ति होई से निष्पत्ति अनुजाई गोटे 1954 मसीहार जो आक्ट थिला नियम थिला से नियम को आज संशोधन करिया पई आज निष्पत्ति करा जाई छी। एवं सेई निष्पत्ति अनुजाई जो माने श्रीमंदिर जमी अधिकार करके रहुथिले एवं सेमाने मध्य चाहूथिले कि तांको ना रे पट्टा करा जाउ सेमाने संपूर्ण भाव से जमी को अधिकार करंतु जो माने जमी विक्रय करचंती लीज नौचंती किंबा मॉर्गेज आकार रे हस्तांतर करिवा पई सरकार को पाखरे आवेदन करूथिले लीज मॉर्गेज बा हस्तांतर पई जो माने आवेदन करथिले से माने आउ सरकार राज्य सरकार को पाखरे आवेदन न करिकी से माने श्रीमंदिर मैनेजिंग कमिटी एवं श्रीमंदिर प्रशासक एमान को पाखरे तांकर आवेदन करिवे। तेणु वर्तमान जो अमेंडमेंट करा जायछि या द्वारा ए प्रोसेस टाको डिसेंट्रलाइज करा जिवो एवं जेहेतु सीनियर ऑफिसर माने वर्तमान चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अछन्ति एवं टेम्पल मैनेजिंग कमिटी को मते दायित्व दिया जिवो एवं विभिन्न लेवल रे विभिन्न प्रकार जमी ताको सेटल करा जाय परिवो या द्वारा जगन्नाथ महाप्रभुंकर जो जमी रे 40-50 वर्ष बा अधिक समय धरि के लोक माने बसबास करचन्ति सेमानकर मध्ये बहुत दिन रो समस्या समाधान हे परिवो। अधिक आलोचना करबा पुरी रुस दास काम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष समसुत जोड़े चंते आलोक श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम संशोधन नहीं जो कैबिनेट रे निष्पत्ति होई छि जे प्रकृत रे कोन संशोधन नहीं निष्पत्ति निया जाय छि। निश्चित निवेदिता देखु जो दीर्घ वर्ष काल जो आंदोलन चली महाप्रभु को जमी रे जो माने रही से माने किभली भाव स्थायी पट्टा पाइबे जो वर्तमान जो अध्यादेश आछि निश्चित भाव यहाँ समस्त स्वागत करछन्ति कहीं आप जानते अनेक वर्ष हम मध्य आंदोलन जारी रही है और गत 27 तारीख में पुरीर किसी बुद्धिजीवी हूँ भू संपत्ति सुरक्षा परिषदर किसी कर्मकर्ता हूँ कि भिटामाटी सुरक्षा परिषदर किसी कर्मकर्ता हूँ से मुख्यमंत्री को अभियोग प्रकोष्ठ को जाते सरकार सहित पूरा पूरी आलोचना करते कि बास्तव में ये अध्यादेश आज बाहरी यार मेरीट कौन यार डिमेरीट कौन ता विषय आलोचना करवा आज्ञा यार बास्तव में रूपरेख कौन कारण सबकि मालिक बर्तमान श्रीमंदिर प्रशासन जो समस्त आपने जो जाते कहींपर चारे बुले बुले जाते कि बर्तमान डायरेक्टली आप श्रीमंदिर प्रशासन सबकि हस्तांतर कर भावुंत सुविधा हो पार आंदोलन सफल है देखो मुझी सफल आम हो पारू कहीं आमर दाबी थी आमको जो 5G सचिव डाकी भू संपत्ति सुरक्षा परिषद चार जन प्रतिनिधि दल जाते सेठी आलोचना कहला 5G सचिव को गोटे जिनस कहला जे आप जो यूनिफर्म पलिस 1 2003 आप 3500 4500 6500 10 वर्ष 15 वर्ष 25 वर्ष ताको सरलीकरण कर दिंतु एवं सरलीकरण करके जिलापाल क्षमता दे दिंतु बर्तमान तो ता सस्पेन्स रहा बर्तमान जो अध्यादेश आसा ता देह 2003 यूनिफर्म पलिस सरलीकरण कर मेनसन करा ना शुणु आपंकर सरलीकरण कौन करागला आप 2003 पर आहरी गोटे यूनिफर्म पलिस आप्रुवाल होती 2019 जोटा कि आप डबल हो जाए 7000 9000 आप 13000 किंतु वर्तमान जिनसा करागला ना आम कहूँ जो मिनिमम गोटे प्राइस करूँ जमी 1997 मसीह आप 1000 टाँह लेखे नहीं मंदिर प्रशासन नहीं सेटा करंतु एवं लोके महाप्रभु को पाखे मंदिर ऑफिस रे डिपॉजिट करिवे यार गोटे प्लस पॉइंट हम को कहबा जो माने अछंती महाप्रभु को जमी रे से माने सीधा सड़क जिबे श्री मंदिर प्रशासन पको आ बुली कर क्वाडे जिबे नै लैंड सब कमिटी पको जिबे नै क्वाड जिबे नै ऊपर आपन को सही कथा कहू छी केवल गवर्नमेंट पाखे रे जोटा अप्रूवल आउतला लॉ डिपार्टमेंट रे सेटा सरकार प्रत्याहार कर देले किंतु लोक तो पुणी मंदिर ऑफिस के दौड़े सही कर्मकर्ता पाक दौड़े सही ऑफिसर को पाक दौड़े या द्वारा कौन समाधान हम से काली लोकों के सागर आगे खेलिबे निश्चित अधिक आलोचना करबा के जो पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन करा जाय छी जो लीज दिया जाय परिबे विक्रय करा जाय परिबे मॉर्गेज रखा जाय परिबे किंतु सरकार को ठारो अनुमोदन आवश्यक ने सबुरा मालिकाना रहइबा श्रीमंदिर पखरे भाबुचंती मधुचंद्रिका रहइबा निश्चित भाबे श्रीमंदिर प्रशासन अधिकारी माने मालामाल हेबे आ देखंतु
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 60,000 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଙ୍କ ପାଖରେ 34,000 ଏକରର ସମ୍ପତ୍ତିର ରେକର୍ଡ଼ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଅବଶିଷ୍ଟ 36,000 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛି, ଜମିବାଡ଼ି ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଅଧିକାରୀମାନେ ମାଲାମାଲ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ମାଲାମାଲ ହେବେ, ଜମି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଏକର ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଲିଜ୍ ଦେବେ, ଲିଜ୍ ଦେଇକି ମୋଟା ଆଙ୍କର ଫାଇଦା ପାଇବେ। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବା ଦରକାର। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସି ଲାଗୁ କରିବେ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସି ଲାଗୁ କରେ। ନିବେଦିତ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିନାୟକ ଦାସମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦେବା, ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାଶକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆସିଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ନା ଏଥିରେ କିଛି ଲାକୁନା ରହିଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଦିନ ଯାହା ସବୁ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତା'ର ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସରଳୀକରଣ ଅବସ୍ଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ 60-70 ହଜାର ଲୋକ ୟା ଦେହରୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବିନା ପଇସାରେ ଇନଫର୍ମ ପଲିସି କରାଯାଉ, ଏ ଦାବି ବି ଆମର ସେଠି ଥିଲା। ଏବଂ 5G ସଚିବ ସେଠି ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରଳୀକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଳୀକରଣ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସି ଲାଗୁ କରାଯିବ? 2003ର ନା 2019ର? ଶୁଣ, 2003 କଥାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ସବୁଠୁ ସରଳୀକରଣ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ବଢ଼ା ଯାଇକି 2017ରେ ଅଧିକ କରାଗଲା। ଆମେ 2003ରେ ଯଦି କରିବେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମର ଥିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ। ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି, 2003ର ଯେଉଁ ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସି, ଯେଉଁକୁ ପ୍ରତି ଡିସିମିଲ୍କୁ ଯେଉଁ କମ୍ ପଇସାରେ ଯେଉଁ ପାଇବେ ସେଇ ପଲିସିଟିକୁ ଲାଗୁ କରିବା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାଦେଶରେ ତାହା ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସବୁକିଛି ଯେଉଁ ମାଲିକ ରହିଲା, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିରେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବେ, କାରଣ ଅଧ୍ୟାଦେଶରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଅନୁମୋଦନ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଦୂର ଉପଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିରେ ଘର କରିକି ବା ଜବରଦଖଲ କରିକି ବା ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ଉପକୃତ ହେବେ, ତା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ନଜର ରହିଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି, ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପୁରୀରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।